गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में. हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी. एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में ऊर्जा खनिज और भारत के खनिज संसाधनों का अध्ययन किया है. कोयला हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था. आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कह सकते हैं कि आधुनिक यातायात और परिवहन के साधनों का प्रमुख आधार है. हम किस खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे वो आप समझ गए होंगे. पेट्रोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम. देखिए, पेट्रोलियम एक ऐसा खनिज संसाधन है. अब तक जितने भी खनिज संसाधन हमने पढ़े थे वो सभी ठोस रूप में प्राप्त होते थे, लेकिन पेट्रोलियम ऐसा खनिज संसाधन है जो द्रव रूप में प्राप्त होता है, यानी कि कीचड़ के रूप में. ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जैसे पानी निकलता है, इस तरीके से नहीं निकलता, निकलता है कीचड़ के रूप में, मड जिसको बोलते हैं. अक्सर जो पेट्रोलियम निकलता है वो निकलता है भारत में टर्शियरी युगीन चट्टानों में. कौन सी चट्टानों में? टर्शियरी युगीन चट्टानों में, शैलों में. ठीक है, टर्शियरी युगीन शैलों में भारत का जितना भी पेट्रोलियम है वो अधिकांश निकलता है. टर्शियरी युगीन शैलों में भी कौन सी शैलें होनी चाहिए? अवसादी शैलें. अवसादी चट्टानों में अक्सर खनिज तेल की प्राप्ति होती है. खनिज तेल कैसे पाया जाता है? जैसा हम उपयोग करते हैं वैसा नहीं पाया जाता. खनिज तेल पाया जाता है कीचड़ के रूप में. उस कीचड़ को निकाला जाता है कई मीटर गहराई के रूप में, कहीं कहीं तो 6000 मीटर गहराई से भी इसको निकाला जाता है, खोद करके असम और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, और कहीं कहीं मुंबई हाई तेल क्षेत्र में 60-70 मीटर नीचे ही है. ठीक है, इस तरीके से इसको रिफाइनरी में ले जाया जाता है. इस जो कीचड़ है उसको पहले कीचड़ निकाला जाता है, वो कीचड़ के रूप में उसमें मिक्स होता है, उसमें कोल तार भी होता है जिसको डामर हम बोलते हैं, वेसलिन वगैरह ये सब कुछ उसमें होता है, पेट्रोलियम डीजल केरोसिन वगैरह सब कुछ उसमें मिक्स होता है, प्राकृतिक गैस भी वहीं निकलती है. इसको निकाला जाता है, इसी को क्रूड ऑयल बोलते हैं, इसी को क्रूड ऑयल बोला जाता है. क्रूड ऑयल सुना होगा आपने एक नाम, क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल इसी को बोलते हैं जो निकाला जाता है ज़मीन में से. ठीक है, यानी कि इसमें कई सारी अशुद्धियां होती है, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं. इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरियों में भेजा जाता है. भारत में 22-23 रिफाइनरियां हैं, उन रिफाइनरियों में इनको नज़दीकी जो रिफाइनरी होती है उसमें भेजा जाता है. वहाँ तेल शोधनशालाओं में इसको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के बाद पेट्रोल डीजल केरोसिन और इसके अलावा वैसलीन ये सभी जो ऊर्जा के साधन हैं इनको बनाया जाता है. ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है जो हम जानते हैं अक्सर. ठीक है, इसके बाद जो पेट्रोल है, पेट्रोल को हमको समझना होगा कि पेट्रोल है क्या. पेट्रोल देखिए एक ऊर्जा का बहुत बेहतरीन जो है संगठक है. ये बनता कैसे है, इसके बनने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है. कहानी यह है कि प्राचीन काल में कालांतर जिसको बोलते हैं, कालांतर में क्या हुआ, पृथ्वी में उथल पुथल मची. उथल पुथल मचने के फलस्वरूप जीव जंतु मनुष्य और पेड़ पौधे सभी पृथ्वी के अंदर दब गए. अब चूंकि जो तीन चीज़ें मैंने बताई है, पेड़ पौधे जीव जंतु और मनुष्य, इनमें क्या है, ऊर्जा पाई जाती है. इनमें क्या है, ऊर्जा पाई जाती है. हम जीव जंतुओं को खाते हैं, हम पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा पाई जाती है ना भाई इनमें. तो वही ऊर्जा वो क्या है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण पृथ्वी के अंदर संचित हो गई. वो ऊर्जा पिघली सड़ी गली, उसके फलस्वरूप उसका तेल निकला. उसी तेल से ये खनिज तेल की प्राप्ति हुई, क्यों, इसी वजह से खनिज तेल में भी ऊर्जा पाई जाती है. वही ऊर्जा पाई जाती है जो ऊर्जा हम दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने से लेते हैं. दूसरी कोई चीज़ें हम खाते हैं, जैसे जानवरों को, इसके अलावा पेड़ पौधों को हम खाते हैं, हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है. इसी तरीके की ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है,
वो ऊर्जा विस्फोटक रूप में होती है, उसी ऊर्जा को जो है फिर इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको मालूम है ना, पेट्रोल डीजल ये जितने भी साधन हैं इनमें थोड़ा सा आग के पास ले जाओ कितना जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा पाई जाती है। ठीक, चलिए इतनी बात हमको समझ में आ गई है। इसके बाद देख लेते, ये नॉर्मल बातें थी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, वो जो प्राकृतिक वनस्पति मनुष्य और जीव जंतुओं का जो तेल निकलता है वही तेल खनिज तेल के रूप में जाना जाता है, उन्हीं को चट्टानों से निकाला जाता है। निकाल लिया, अब देखते हैं इस खनिज तेल के बारे में, इस खनिज तेल का भारत में कितना प्रतिशत है क्षेत्र। भारत जो है विश्व का केवल 5% से भी कम खनिज तेल का उत्पादन करता है। आपको मालूम है विश्व में कई सारे देश हैं जहां पर सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जाता है, उसका लगभग 4% तो अकेला सऊदी अरब करता है। उसके आसपास के जितने भी देश हैं, जिसमें आपका कतर है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, और बहरीन है, ओमान है, यमन है, इन सभी देशों में तेल के विस्तृत बड़े बड़े कुएं पाए जाते हैं। इसी वजह से तो अमेरिका इनके ऊपर लगातार दबाव बना के रखता है ताकि ये अमेरिका की जो है उसमें रहे, हद में रहे। लेकिन ये देश जो है अपने तेल भंडारों के बलबूते अपने आप को विकसित करने में लगे हुए हैं। आपको मालूम है पाया कुछ नहीं जाता इन देशों में, ज़मीन में अगर खोदा जाए तो निकलेगा तेल, उगाया जाए तो केवल एक खजूर का पेड़ वहाँ पे उगता है, लेकिन दुनिया की हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सऊदी अरब में हम लोग यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं, होता कुछ भी नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो विकसित कंट्रीज़ कहलाती है, क्योंकि उन्होंने इस तेल के दम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, 5% जो तेल पाया जाता है विश्व का भारत में, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे विश्व के कई सारे देश हैं जिसमें अरब कंट्रीज़ के अलावा अमेरिकी देशों में भी पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत तेल के भंडार है, लेकिन वो तेल के भंडारों का अभी तक इस्तेमाल नहीं करता है, उत्पादन बहुत कम करता है वहाँ से। क्यों करता है? वो भविष्य के लिए, भविष्य की सोच के चलता है, क्योंकि अभी विश्व के जो अरब देश है, अरब देशों में तेल भंडार जो है ख़त्म होने के कगार पे आने वाले कुछ 50-60 सालों में, तो ये देश कंगाल हो जाएंगे, तो अमेरिका फिर अपने भंडारों का उपयोग करेगा, फिर वो तेल बेचेगा दुनिया को। ठीक है, वेनेजुएला है कंट्री, कोलंबिया है, यहाँ पे तेलों का उत्पादन किया जाता है, नाइजीरिया वगैरह अफ्रीका में कुछ देश है, तो ये कुछ विश्व के बड़े देश हैं। रूस में भी तेल का उत्पादन होता है। भारत 5% तेल का उत्पादन करता है, और भारत में जो तेल का उत्पादन करता है, तेल का उत्पादन करने वाली संस्था ONGC है। क्या नाम है? और नाम सुना होगा आपने ONGC। ONGC का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑल इंडिया नेचुरल गैस कमीशन। क्या है? ऑल इंडिया नेचुरल गैस कमीशन, यानी कि ये भारतीय प्राकृतिक गैस और कमीशन को कहते हैं आयोग, इसका ये पूरा नाम है। इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कमीशन कह दे, कॉरपोरेशन कह दे, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में देहरादून में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा एक और इंडिया में कमीशन है, ये भी तेल का उत्पादन करता है, ऑयल, इसको कहते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारतीय तेल आयोग, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये भी भारत में तेल का उत्पादन करता है, तेल का उत्पादन, शोध और उनको रिफाइनरी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, शोध कहते हैं खोज को, देश में महत्वपूर्ण खनिज तेल के भंडारों का पता लगाने का कार्य इन्हीं का है। ठीक है, आपको मालूम है कुछ 2000 से पहले भारत में असम, मुंबई हाई तेल क्षेत्र और गुजरात, यही कुछ गिने चुने तेल क्षेत्र थे, लेकिन
अनुसंधान और अन्वेषण करके इन्होंने राजस्थान के थार के मरुस्थल जैसे इलाके में तेल के भंडारों का पता लगाया है और भी विश्व में भारत में कई जगह पे तेल के भंडारों का पता लगा है। उसका कार्य कौन करता है? ये ONGC और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका जो कारखाना है, इसका जो कारखाना कहाँ है? असम में भी है और नोएडा में भी है, यूपी में। ठीक है, नोएडा वैसे NCR में आता है दिल्ली में, लेकिन यूपी इसमें क्षेत्र शामिल है। एक और है जिसको BPCL के नाम से जाना जाता है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यह भी तेल के शोध और उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये तीन संस्थाएं हैं जो भारत में तेल के उत्पादन, शोध और क्रूड ऑयल जो होता है उसको रिफाइनरी तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारियां इनकी होती है, इन्हीं की देखरेख सारा कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत में ONGC जो है, इसने लगभग 26 गैस, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडारों का पता लगाया है भारत में अब तक। ठीक है, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, ONGC जो है इसने भारत में अब तक 26 तेल और गैस के भंडारों का पता लगाया है देश में अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, जिसमें आपका राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में बहुत बड़े भंडारों का पता चला है जिसमें अभी तक कुछ क्षेत्रों में उत्पादन वहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो ये तेल होता है, इस तेल का तेल रिफाइनरीज जो होती है वहाँ पे इसका शोधन किया जाता है, तो उसको पढ़ना भी हमको ज़रूरी है कि भारत में कितनी तेल रिफाइनरी है कितनी नहीं है। ठीक है, तो भारत में कुल मिलाकर अगर देखा जाए NCRT की किताब के मुताबिक 22 तेल रिफाइनरियाँ हैं भारत में। कितनी? 22 तेल रिफाइनरी, 22 तेल रिफाइनरी, इसमें से 17 तेल रिफाइनरी तो जो है सहकारी या सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की है, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की है, 3 इसमें से निजी क्षेत्र की है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत है, और 2 ये जो है संयुक्त रूप में है। ठीक है, ये 22 रिफाइनरी देश के अंतर्गत है। कौन कौन सी रिफाइनरी है देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट रिफाइनरीज को देख लेते हैं। इन 17 में से 17 जो सरकारी है इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से देखिए आप बरौनी है जो इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ है? ये बिहार में है गुरुजी, लिख लीजिए आप इसको। इसके अलावा 3 रिफाइनरीज कहाँ हैं? आसाम में। ठीक है, एक तो डिगबोई है, एक सोनमती है और एक गुवाहाटी है। ये 3 रिफाइनरीज कहाँ हैं? यह है आसाम में। ठीक है, इसके अलावा कोच्ची है, ये कहाँ है? केरल में। कोयली, ये भी आपको मालूम होगा कहाँ है? गुजरात में। हल्दिया, ये भी पता होगा आपको कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाली हो गया तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा मंगलोर, ये भी पता होगा आपको कहाँ है? मंगलोर है कर्नाटका में। मथुरा है, मथुरा आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है? यूपी में। इसके अलावा एक और है जिसको विशाखापत्तनम कहते हैं, विशाखापत्तनम, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और एक है पानीपत, ये कहाँ है गुरुजी? ये है हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको 17 में से कुछ लिखवाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टॉप 11 है ये। ये देश में महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरीज है जो अलग अलग राज्यों में स्थापित है। बरौनी बिहार में है, ये यहाँ असम का जितना भी तेल उत्पादित होता है उनका पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है,
बाकी असम का तेल जो रिफाइनरी है ये डिगबोई सोनमती और गुवाहाटी यहाँ पर उसका शोधन कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा असम में जो सबसे पहले तेल का उत्पादन होता था वो रिफाइनरी होने के लिए कहाँ जाता था, म्यांमार में, ठीक है, क्योंकि म्यांमार और असम के बीच में संधि हुई थी, भारत का लेना देना उससे नहीं था प्रारंभ में। कोची केरल में है, कोयली गुजरात में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मंगलौर कर्नाटक में, मथुरा यूपी में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और पानीपत हरियाणा में। ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है। फिर इसके अलावा तीन निजी क्षेत्र की देख लेते हैं हम, कौन कौन सी है। तीन निजी क्षेत्र की देखिए, एक तो है जामनगर, क्या नाम है, जामनगर। एक है बड़ीनाथ, ठीक है, बड़ीनाथ और जामनगर है, बड़ीनाथ है, और एक और है एसआर नाम की। ये तीनों कहाँ हैं, गुजरात में, और किसके अधीन है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, ये निजी क्षेत्र की है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर तेल का शोधन करती है, तेल को साफ करती है, फिर आगे भेजती है, ठीक है, मतलब उसको व्यापार के लिए भेज देती है। पहले क्रूड ऑयल में आता है, क्रूड ऑयल को साफ करके भेजती है। दो संयुक्त रूप से है, दोनों संयुक्त रूप से कहाँ हैं, ये भारत और ओमान की है, ठीक है, ओमान अरब देश एक, भारत और ओमान की है, जिसमें ये है बीना में। अब बीना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, बीना मध्य प्रदेश में एक है, और एक है आपकी, एक बीना में है और एक आपकी जो है वो है भटिंडा में। ये भटिंडा कहाँ है गुरु जी, ये है पंजाब। ये दो रिफाइनरी ये संयुक्त प्रकार की है, ये तीन निजी क्षेत्र की है और ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। इस तरीके से भारत में ये रिफाइनरियां हैं, इनको आप याद कर लेना, नक्शे के माध्यम से उसमें दर्शा लेना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों को, कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से तेल उत्पादक क्षेत्र प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं हम। चलिए इसके बाद देखिए, भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र जो है उनमें सबसे पहले अगर नाम आता है, सबसे प्राचीन जो तेल उत्पादक क्षेत्र है और सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन सा है बताइए, आसाम है। कौन सा है भाई, आसाम तेल क्षेत्र। तो असम में देखिए एक माकुम तेल क्षेत्र है, सबसे पहले तेल का उत्पादन वहीं से किया जाता बताया है। डिगबोई एक इम्पोर्टेंट है, डिगबोई तेल क्षेत्र आपने सुना होगा नाम, नाहरकटिया, और इसके अलावा सोनमती है, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र है आसाम में, तो लिख लीजिए आप इनको भारत के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। अब इनमें देखिए कौन कौन से, सबसे पहले आएगा आपका नाम आसाम का, ठीक है, आसाम में देखिए, आसाम में डिगबोई इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है, डिगबोई है, सिलचर है, लखीमपुर ज़िले में है ये, सिलचर है, इसके बाद नाहरकटिया के बाद सोनमती है, यहाँ पे एक क्षेत्र है माकुम तेल क्षेत्र, वो सर्वाधिक तेल का उत्पादन करता है। देखिए डिगबोई क्षेत्र में जो है लगभग 800 से ज़्यादा कुएं हैं तेल के, डिगबोई में 800 से ज़्यादा कुएं हैं तेल के, नाहरकटिया में लगभग 60 से 70 है, और सोनमती जो है यहाँ भी काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा हुगरीमान मोरान क्षेत्र है, हुगरीमान मोरान तेल क्षेत्र है, यहाँ भी लगभग 70 से 80 कुएं हैं। फिर उसके बाद सुरमा घाटी क्षेत्र है, सुरमा नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ भी 60 तेल के कुएं पाए जाते हैं। यहाँ से जो तेल का उत्पादन होता है उस तेल को कहाँ भेज दिया जाता है, गुवाहाटी में, कहाँ,
गुवाहाटी, गुवाहाटी क्या है बोलो, तेल शोधनशाला है, यहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। यहाँ अगर नहीं शुद्ध हो पाता तो उसको भेज दिया जाता है आगे बरौनी में। बरौनी कहाँ है बोलो, बरौनी है बिहार में, ठीक है। इस तरीके से इस तेल का उत्पादन, सॉरी तेल का शोधन कर लिया जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये आपके आसाम के तेल क्षेत्र थे। इसके बाद गुजरात के कुछ तेल क्षेत्र देख लेते हैं हम। गुजरात में देखिए अंकलेश्वर एक तेल क्षेत्र है, इम्पोर्टेंट है अंकलेश्वर। भरूच है, भड़ौच जिसको बोलते हैं भड़ौच, और इसके अलावा खंबात की खाड़ी, ये तीन इम्पोर्टेंट है गुजरात में। कौन कौन से देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, इसको भी आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, अंकलेश्वर इम्पोर्टेंट है गुजरात का है, भरूच है, और इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये तीन प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे एक पेटी पाई जाती है जहाँ तेल के निक्षेप पाए जाते हैं, तेल के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ है बोलो वो, सूरत से राजकोट तक, सूरत से राजकोट तक के क्षेत्र में तेल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। बोलो समझ में आ कि नहीं आ रही, आ रही है गुरु जी, आगे चलो, चलो आगे चलो। इसके बाद देखिए ये सूरत से राजकोट तक पेटी है, यहाँ कुछ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के नाम भी हम लिख लेते हैं, यानी कि तेल के मुख्य क्षेत्र जो है, ये तो अंकलेश्वर भरूच खंबात की खाड़ी तो जो एक विशाल क्षेत्र है, लेकिन कुछ तेल के कुएं वाले क्षेत्र है उनके नाम लिख लीजिए। आप देखिए नवगांव है, नवगांव कौसाम्बा, नवगांव है, कौसाम्बा है, इसके अलावा औलमपाद है, औलपाद जिसको बोलते हैं, औलपाद, नवगांव, कौसाम्बा, इसके बाद ढोलका है, ढोलका, महसाना है, महसाना, इसके अलावा कलोल है, कलोल। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एक द्वीप है यहाँ पे अलियाबेट द्वीप, जो तटीय क्षेत्र है, अब तटीय क्षेत्र इसको बोलते हैं अलियाबेट, क्या नाम है उसका, अलियाबेट द्वीप। अलियाबेट द्वीप जो है यहाँ भावनगर के नज़दीक है, 40-45 किलोमीटर है भावनगर ज़िले से, यहाँ पर भी तेल का उत्पादन किया जाता है। अरब सागर द्वीप है खंबात की खाड़ी के आसपास, अलियाबेट द्वीप, यहाँ भावनगर में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये गुजरात है, गुजरात में कोयली, ध्यान रखना आप, कोयली तेल परिशोधनशाला है, यहाँ यहाँ जितना भी तेल उत्पादन होता है उसको यहाँ भेज दिया जाता है कोयली में, और कोयली से उस तेल का क्या क्या कर दिया जाता है भाई, रिफाइन कर दिया जाता है उसको, साफ़ कर दिया जाता है उसको, फिर उसको व्यापारिक उद्देश्य से कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला राज्य कौन सा है, गुजरात हो गया आपका और आसाम हो गया आपका। अब देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा है, देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य जो कौन सा है वो कौन सा है, वो है आपका महाराष्ट्र, जिसमें है मुंबई हाई तेल क्षेत्र। ध्यान रखना मुंबई हाई तेल क्षेत्र देश में सर्वाधिक तेल का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ये कहाँ है गुरुजी, ये है अरब सागर में, ठीक है, ये कहाँ है अरब सागर में। इस पे महाराष्ट्र का अधिकार नहीं है, इस पे केंद्र सरकार का अधिकार है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के अंदर नहीं है, ये अरब सागर में है, ठीक है। जो EEZ बोलते हैं ना, EEZ सुना होगा आपने, मैंने बताया था आपको सागर नदी खाड़ी वगैरह में, मैं बताया था सागर महासागर द्वीप वगैरह में, एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, उस पर देख लेना आप। EEZ किसको बोलते हैं, अनन्य आर्थिक जोन, जहाँ तक भारत या कोई भी देश आर्थिक गतिविधियाँ कर सकता है व्यापारिक उद्देश्य से, 200 नॉटिकल मील तक का यह क्षेत्र होता है। तो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है अरब सागर में मुंबई हाई तेल क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर जापान की सहायता से, जापान जो देश है, जापान से एक शिप मंगाया गया था, जहाज जिसको सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है, सागर सम्राट, जापान से मंगाया गया था ये सागर सम्राट। यह है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जहाज है,
उसमें तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मुंबई हाई तेल से समुद्र के अंदर है, ये अरब सागर में है, मुंबई से 176 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, वहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाता है। जैसे ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद ये है हमारा राज्य भारत, तो यहाँ पे देखिए ये मुंबई है, यहाँ पर तो मुंबई से यहाँ पर ये है, ठीक है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र यहाँ है, समझ में आ रही ना आपको। तो सागर सम्राट के नाम से यहाँ पर तेल उत्पादन किया जाता है, 19 कुछ किताबों में 1976 है, कुछ किताबों में 1970 है, एनसीईआरटी के मुताबिक 1970 से यहाँ पर तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, कुल भारत में जितना भी तेल उत्पादित होता है उसका लगभग 60% तेल यहीं से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान में भी काफ़ी सारा तेल का उत्पादन होने लगा है, लेकिन नवीन आंकड़े जो है वो किताब में अभी तक मौजूद नहीं है। ठीक है, वसीन या वसाई नाम का एक क्षेत्र और है महाराष्ट्र में, उसको भी आप याद कर लेना, वसीन या वसाई कुछ भी नाम याद कर लेना आप, ये भी महाराष्ट्र में एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं हम, और राज्यों में देखिए ये मुंबई हाई तेल क्षेत्र हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी है एक तेल क्षेत्र, केजी बेसिन जिसको बोलते हैं। अब बताइए केजी बेसिन क्या है, केजी बेसिन एक क्षेत्र है, केजी बेसिन आंध्र प्रदेश में है, केजी बेसिन बोलते हैं कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन को, कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में भी तेल उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ है बोलो, ये है आंध्र प्रदेश में यहाँ से भी तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान आ जाता है हमारा, और राजस्थान तो इम्पोर्टेंट है ही, तो राजस्थान के कुछ ज़िले हैं देखिए, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये दो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, इसके अलावा बीकानेर भी है। ठीक है, ये तीन पश्चिमी जो राजस्थानी क्षेत्र राज्य हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत बड़े बड़े तेल के भंडारों का पता लगा है, जिसके जो तेल के कुएं हैं उनके नाम महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे राजेश्वरी, मंगला और बहुत सारे नाम हैं, वो सभी महिलाओं के नाम के ऊपर रखे गए हैं, वो आप देख लेना जब राजस्थान के संदर्भ पढ़ेंगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी कुछ क्षेत्रों की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन से तेल क्षेत्र है देखिए, बाड़मेर में है आपका, एक तो है गुड़ामालानी के अलावा मग्गा की ढाणी है, मग्गा ढाणी और हाथी ढाणी, ये तीन क्षेत्र आप याद कर लीजिए, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और है सिंहधरी, ये भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए सिंहधरी, ये भी एक क्षेत्र है। जैसलमेर में तनोट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तनोट को आप याद कर लीजिए जरूर, तनोट इम्पोर्टेंट है। साधेवाला मनिहारी टिब्बा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मनिहारी टिब्बा, देवाल, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तनोट इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इसके अलावा बीकानेर है, बीकानेर में बाघे वाला तुवरी वाला है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, बाघे वाला तुवरी वाला। हनुमानगढ़ में भी एक तेल क्षेत्र है, यहाँ है नानू वाला। तो इस तरीके से बीकानेर में रिफाइनरी है, ध्यान रखना, बीकानेर में और जोधपुर में भी है रिफाइनरी, ये तेल रिफाइनरियाँ हैं जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर था जिसमें राजस्थान में जो है एक कंपनी है, केयर्न कंपनी, क्या नाम है, केयर्न एनर्जी कंपनी, इसके देखरेख में राजस्थान में उत्पादन किया जाता है, ये ब्रिटेन की कंपनी है। ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी। भारत में जितना भी तेल उत्पादित किया जाता है वो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए भारत अन्य देशों से तेल का आयात करता है। कौन कौन से देश है वो भी देख लीजिए आप, सऊदी अरब इम्पोर्टेंट है, इराक है, ईरान है, UAE है, रूस है, वेनेजुएला है, नाइजर है, नाइजीरिया है,
इंडोनेशिया है, यहाँ से भारत क्या करता है भाई, तेल का आयात करता है, यानी कि यहाँ से भारत तेल को मंगवाता है अपने अपने जो है कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आप सभी को भारत के खनिज तेल के संदर्भ में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।